नमस्कार, योजना आईएएस के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक्चुअली एक टॉपिक है जिस पे कुछ एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। है तो आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बारे में जानना ज़रूरी है। क्या है, आइए देखते हैं। आप लोगों ने रामनाथ गोयनका के बारे में सुना होगा। रामनाथ गोयनका, इन पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है हमारे इंडिया में, जो कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है भारत में, जिसका नाम है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। और ये भारत में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और ये दिया जाता है रामनाथ गोयनका के नाम पर। तो आज हम कुछ एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर में ये जो अवार्ड है ये कब शुरू हुआ, और ये रामनाथ गोयनका के नाम पे दिया जाता है तो थोड़ा सा क्यों दिया जाता है, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि इनके नाम पे इस अवार्ड को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट और रामनाथ गोयनका के बारे में पहला पॉइंट यही देखेंगे कि यह जो अवार्ड है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। और ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में इसलिए दिया जाता है कि निष्पक्ष पत्रकार को, कि बिना भेदभावपूर्ण जो पत्रकारिता करता है उसको दिया जाता है, निष्पक्ष पत्रकार को, कि बिना डर के, बिना किसी प्रेशर के, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या किसी धर्म, बिना किसी के दबाव में आकर के अगर कोई पत्रकारिता का काम अच्छे से करता है तो उसी को यह दिया जाता है, रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है, ऐसा नहीं है ये, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, ठीक है, या डिजिटल मीडिया हो, इन दोनों क्षेत्र में पत्रकारिता में जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है यह कब से शुरू हुआ, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2006 से। ठीक है, सन 2006 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और 2006 से ये जो पुरस्कार है यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है भारत में। ठीक है, और मैंने बताया किसके लिए दिया जाता है, कि वह पत्रकार, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है जो निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव पूर्ण, निडर तरीके से पत्रकारिता को करता है, यानी कि न तो कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में, ना ही कि किसी धर्म के दबाव में, या न तो कि किसी अन्य प्रेशर से, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से जो काम करता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है, रामनाथ गोयनका अवार्ड। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, दिया जाता है तो रामनाथ गोयनका के स्मृति में दिया जाता है, तो क्या इसमें खास, एक बार थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा रामनाथ गोयनका के बारे में हम लोग देख ले लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो जो रामनाथ गोयनका है, इनका जन्म हुआ था 1904 में। ठीक है, 1904 में इनका जन्म, और 1904 से लेकर के इनकी मृत्यु हुई थी 1991 में, ये इनका टाइम पीरियड था 1991 में इनकी मृत्यु। तो ये जन्म इनका हुआ था बिहार में। ठीक, उसके बाद क्या है, बिहार में जब जन्म हुआ उसके बाद इनकी इनका जो शिक्षा हुआ वो बनारस में हुआ, उसके बाद वो चेन्नई चले गए कुछ काम करने के लिए। इन्होंने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हमेशा ये खड़े रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का श्रेय इन्हें ही जाता है। ठीक है, इनका क्या है कि ये प्रेस की आज़ादी के लिए एक अच्छे पैरोकार थे, अच्छे देशभक्त थे, आज़ादी की लड़ाई के समय में भी इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इन्होंने कार्य किया था, और ये जाने माने एक संपादक थे, और सबसे खास बात है ये भारतीय अखबार के प्रकाशक भी थे, और उससे भी इम्पोर्टेंट, आप लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर यूपीएससी की तैयारी में
द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस लोग पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो जो द इंडियन एक्सप्रेस था इन्होंने ही, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस जो था 1932 में, 1932 में इन्होंने ही इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि इंडियन एक्सप्रेस के संपादक यही थे, इन्होंने ही शुरू किया था 1932 में, और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हमेशा खड़े रहे थे। और उसके प्रेस की आज़ादी के लिए इन्होंने एक बार क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी के समय में हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, तो उस इमरजेंसी के दौर में इन्होंने खुल के उनका विरोध किया था और वो किसी से नहीं डरे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनका जर्नलिज्म में नाम बहुत फेमस है, और इसीलिए इनके नाम की वजह से यह पुरस्कार दिया जाता है जर्नलिज्म का, रामनाथ गोयन का एक्सेलेंस जर्नलिज्म अवार्ड, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इन्होंने इसके बाद क्या हुआ कि पत्रकार तो थे ही, बेहतर पत्रकार थे, आपातकाल के दौरान इन्होंने इंदिरा गांधी का खुल के विरोध भी किया था। एक चीज़ और इनके बारे में है कि ये लोकसभा के भी सदस्य बने थे, या लोकसभा के भी सदस्य बने थे। ठीक है, लोकसभा के सदस्य कब, 1971 में, 1971 में ये लोकसभा के सदस्य, भारत की आजादी के बाद, या 1971 में लोकसभा के सदस्य बने थे। किस पार्टी से, भारतीय जनसंघ पार्टी से, भारतीय जन संघ पार्टी से, तो ये लोकसभा के सदस्य भी थे। तो ये सब इनके बारे में कुछ एक पॉइंट है कि 1971 में ये भारतीय जनसंघ पार्टी से लोकसभा के सदस्य भी बने थे भारत की आजादी के बाद। भारत की आजादी के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया था। 1932 में, 1932 में इन्होंने क्या किया था, इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज पेपर निकाला था, ये खास बात रखेंगे, और जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय में, तो इन्होंने उनका खुल के विरोध किया था। तो ये बहुत बड़े संपादक थे और इन्होंने खुद से इंडियन एक्सप्रेस का प्रकाशन किया, और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये हमेशा खड़े रहे, एकदम निरत तरीके से, निष्पक्ष तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इन्हीं की याद में भारत में प्रत्येक वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष शुरू हुआ है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, उसके क्षेत्र में यह प्राइज दिया जाता है, रामनाथ गोयन का एक्सेलेंस अवार्ड, एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था रामनाथ गोयन का जी के बारे में। तो चलिए फिर आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।